नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आज सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के दरमदोरा इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने कीगम इलाके में आतंकी ठिकाना उड़ा दिया। हालांकि इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि इससे पहले बारामूला जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद का एक आतंकवादी मारा गया। बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के बोनियार इलाके में मारे गए आतंकवादी की पहचान लुकमान के तौर पर हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। शोपिया एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर किया है। शोपिया के दरमदोरा कीगम इलाके में मुठभेड़ हुई, सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। दिनेश सूदन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, अपडेट ले लेते हैं। क्या दिनेश, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी शेखा, सुबह से ही जो है शोपिया इलाके में जो है एनकाउंटर जारी है। फिलहाल अभी तक जो है सुरक्षा बलों द्वारा दो आतंकवादियों को मार गिराया गया है। फिलहाल उनसे उनकी डेड बॉडीज भी रिकवर कर ली गई है और भारी मात्रा में जो हथियार थे वो भी फिलहाल रिकवर कर लिए। फिलहाल अभी सुरक्षा बलों को पूछते थे इस इलाके में कुछ और मिलिटेंट छुपे हुए हैं। इसके आधार पर अभी शोपिया का जो इलाका है वहाँ पे फिलहाल जो सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन है फिलहाल वो अभी जारी है। जी बिल्कुल दिनेश, अभी हालात वैसे ही है या कुछ हद तक सामान्य हुए हैं? बात की जाए तो फिलहाल जिस जगह पे इनकाउंटर चल रहा था वहाँ पे फिलहाल जो हालात है इस वक्त सामान्य हैं, क्योंकि इनकाउंटर फिलहाल वहाँ पे खत्म हो चुका है, क्योंकि दो मिलिटेंट्स जो वहाँ पे छुपे हुए थे उनकी डेड बॉडीज भी वहाँ पे रिकवर कर ली गई है। फिलहाल उसी इलाके में अभी सर्च फिलहाल जो है वो चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान फिलहाल वहाँ पे चलाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों को इनपुट मिले थे कि वहाँ पे 3 से 4 आतंकवादी है। जिस जगह इनकाउंटर शुरू हुआ था वहाँ पे फिलहाल जो 2 आतंकवादी छुपे हुए थे फिलहाल उन्हें वहाँ पे मार गिराया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।